गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा शंकु परिच्छेद में वृत्त, वृत्त का द्वितीय भाग। तो वृत्त का द्वितीय भाग को शुरू करने के पहले हम वृत्त के पहला भाग के बारे में कुछ बता रहे हैं। वृत्त के पहला भाग में लास्ट में ये क्वेश्चन को हम हल कर रहे थे, ये क्वेश्चन हल नहीं हो पाया। मैंने आपको लेक्चर के लास्ट में बोला था कि इस क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है करके। अब जब क्वेश्चन मिस्टेक रहता है तो इस क्वेश्चन के अनुसार दूसरा क्वेश्चन बनाना या फिर इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर को चेंज करना या आंसर के अनुसार क्वेश्चन को चेंज करना पड़ता है। तो इसमें ये जो दिया हुआ है आयत का विकर्ण रेखा 3y = x + 10 के अनुदिश है, ऐसा जो दिया हुआ है ये, इसको यदि ऐसा मानेंगे तो हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड वृत्त आ जाएगा। तो हम इसको बदलते हैं, इसको बदलेंगे तब सही आंसर आएगा। हम इसको लिखते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, मैंने या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर आंसर गलत है। तो मैं आंसर को यदि सही मानूंगा तो क्वेश्चन को इसको बदलना पड़ेगा 3y = x + 10 को। तो इसको यदि मैं मानता हूँ 5y = 4x + 10 तब ये आगे बन सकता है। यदि ये ऐसा है तो हम एक वृत्त बनाते हैं 11वें नंबर के लिए। ये जैसे एक वृत्त है, इसके अंदर आयत है, इसके अंदर ये आयत है और इसके जो शीर्ष हैं A, B, C, D, इसमें ये बोला है A और B के निर्देशांक, A के निर्देशांक -6, 7 है, B के निर्देशांक 4, 7 है और ये एक विकर्ण जो है 5y = 4x + 10 ऐसा कोई एक रेखा है, इसके समांतर है, इसके समांतर है। तो ये विकर्ण जैसे ये क्या 5y = 4x + 10 है तो ये ऐसे करके बनने वाला है, x एक्सिस से ऐसे न्यून कोण बनाने वाला रेखा है, x एक्सिस से न्यून कोण बनाने वाला रेखा है। इसका x y अंतःखंड तो धन है ऊपर की ओर, x 0 करेंगे तो y = 2, लेकिन जब y 0 करेंगे तो x बराबर माइनस में आएगा। तो ऐसे करके ये ऐसे करके जाने वाला है, मतलब एक्सिस पे ऐसा बनाएंगे तो इस टाइप का रेखा है। तो ये वाला विकर्ण को हम मान लेते हैं इसके समांतर है, इस रेखा के समांतर ये विकर्ण BC है, इस रेखा के समांतर विकर्ण BC है। तो BC के समीकरण को लिखा जा सकता है, BC 5y + 4x + 10 5x = 4x + 10 के समांतर है, अनुदिश है बोला है, इसलिए अनुदिश है। तो BC का समीकरण हो जाएगा 5y = 4x + λ और यह जाता है 4, 7 से, हमको बी का निर्देशांक पता है, 4, 7 से जाता है। तो x की जगह 4 और y की जगह 7, 5 × 7 = 4 × 4 + λ, तो 35 = 16 + λ = 35 - 16 = 19। तो BC का समीकरण 5y = 4x + 19, ये BC का समीकरण हो गया। अब देखिए ये आयत है, इसको विशेष रूप से यदि ध्यान दें आप तो यहाँ पर y निर्देशांक 7 है और यहाँ पर y निर्देशांक 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x अक्ष के समांतर भुजा है, y निर्देशांक चेंज नहीं हो रहा है। देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं ऐसे करके तो x अक्ष के समांतर लिखेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पर y = 7 y = 7 y = 7 ऐसा होते जाएगा। तो ये x अक्ष के, मान लीजिए मैं x अक्ष ऐसे करके बनाता हूँ, ऐसे करके ये ऐसे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये भुजा और ये भुजा x अक्ष के समांतर है और आयत होने की वजह से ये भुजा और ये भुजा इसके लंबवत होगा, मतलब ये y अक्ष के समांतर है, मतलब इस रेखा पर जो भी बिंदु हमको मिलेगा सभी जगह साथ 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 रहेगा और इस रेखा पर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट 4, 4, 4 रहेगा और इस रेखा पर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट ऋण 6 रहेगा। इस आधार पर सब निर्देशांक को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब मुझे BC का समीकरण पता चल गया, बिंदु C के लिए जैसे कि मैंने बताया भुजा AB के लिए क्या है, y की वैल्यू हमेशा 7 है और ये x अक्ष के समांतर है तो निश्चित रूप से y अक्ष के समांतर होगा क्योंकि ये आया था, इसकी भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं सबका x कोऑर्डिनेट 4 है और इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उनका x कोऑर्डिनेट ऋण 6 है,
तो बिंदु C के लिए x बराबर ऋण 6 होगा, तो इस समीकरण से निकाला जा सकता है 5y बराबर 4 गुणित ऋण 6 धन 19, तो 5y बराबर ऋण 24 धन 19, तो ऋण 5, तो y बराबर ऋण 1। इस प्रकार C के निर्देशांक को हम निकाल सकते हैं, C का x निर्देशांक ऋण 6 और y निर्देशांक ऋण 1 होगा। जैसे ही हमको ये मिलेगा हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का समीकरण और उसकी त्रिज्या वगैरह सब निकाल सकते हैं। इसमें क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है, चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं। D के लिए x बराबर 4 होगा, जहां भी जाएंगे ऐसे करके y अक्ष के समांतर है, तो 5y इक्वल टू 4 गुणित 4 धन 19, तो 5y बराबर 35, तो y बराबर 7। देख लीजिए, सॉरी इसमें x बराबर y बराबर ऋण 1 आना चाहिए। जैसे क्या है y बराबर ऋण 1 है, तो यहाँ भी y बराबर ऋण 1 आना चाहिए। हम x कोऑर्डिनेट को इसका क्या है, ये इस विकर्ण पर होगा ना, ये विकर्ण पर क्या हो जाएगा, विकर्ण पर x बराबर, हम विकर्ण के समीकरण में x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 7 तो है ही। यदि इस रेखा में इसके समीकरण में रखते तो मिलता ये d के लिए x बराबर 4 तो होगा, लेकिन y बराबर इससे निकलेगा, ये यहाँ पर y बराबर ऋण 1 है और ये y x अक्ष के समांतर है, तो इसका निर्देशांक को हम 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये मिला तो हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, वो क्या होगा, इसका केंद्र होगा वृत्त का, वृत्त का केंद्र होगा, ये मूल बिंदु तो खैर ये है, वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा, तो BC का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ऋण 6 बटे 2 एंड 7 ऋण 1 बटे 2, तो ये ऋण 2 ऋण 1 3, यही इसका केंद्र है वृत्त का, ये क्या है वृत्त का केंद्र है, और त्रिज्या क्या हो जाएगा 4 7 और ऋण 1 के बीच की दूरी, त्रिज्या हो जाएगा 4 7 और एक्स टू माइनस एक्स दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये देखिए 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का 25 और ये 4 का 16, 25 धन 16, तो ये वर्गमूल 41 इसका क्या है त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स माइनस माइनस 1, देखिए केंद्र ये हुआ ना, केंद्र ये हुआ एक्स माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू वर्गमूल 41 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 41, तो 1 और 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y इक्वल टू 31, ये वृत्त का समीकरण है। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए या ये 7 है और उसका एक से इसकी दूरी निकालेंगे तो 7 में से 7 गया 0, 4 में से 6 घटेगा 10 का वर्ग, उसका वर्ग मिलाएगा तो ये भुजा 10 है, और इधर से निकालेंगे तो 6 6 कट जाएगा, इधर से 7 और इधर से ऋण 1, तो ये भुजा 8 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणित 8 बराबर 80 वर्ग इकाई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब हम देखिए ये पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, आगे हम वृत्त में अगला भाग देखते हैं। वृत्त का अगला भाग है, अगला भाग का एक प्रश्नवली हम लेते हैं जो है पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 29 के पहले 28 पेज पे है। तो देखिए आगे अब हम वृत्त का दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें इसके पहले हम देख रहे थे पहला भाग में जो क्वेश्चन मिस्टेक था उसको सुधार करके बताएं, जिसमें क्या है कि वृत्त का यदि व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया हो, व्यास के सिरों का निर्देशांक यदि दिया गया हो x1 y1 और x2 y2, तो इसका समीकरण निकाला जा सकता है। वैसे इसका समीकरण पहले सिद्धांत से भी निकाला जा सकता है, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो केंद्र हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, केंद्र और त्रिज्या वाले मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन व्यास का सिरा दिया गया हो तो एक शॉर्टकट है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये वृत्त का समीकरण होता है। हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं सेकंड को, फर्स्ट का सेकंड ले लेते हैं, हमारे पास है 5 माइनस 3 एंड 2 माइनस 4, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 मीन्स x माइनस 5 एंड x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मतलब y माइनस माइनस 3 तो y प्लस 3 एंड y माइनस माइनस 4 तो y प्लस 4 इक्वल टू 0,
गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टू तो माइनस सेवन एक्स आएगा, और माइनस फाइव प्लस टू तो प्लस टेन आएगा। वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, थ्री प्लस फोर सेवन वाई, एंड थ्री इंटू फोर ट्वेल्व इक्वल जीरो। तो वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेंटी टू इक्वल जीरो, ऐसे करके होगा ये। तो इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें का एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसी प्रकार का क्वेश्चन और आगे आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, व्यास के सिरों का निर्देशांक दे दिया है टू माइनस थ्री और माइनस टू फोर। तो इसका समीकरण निकालने के लिए बोला है, फिर वृत्त का केंद्र व त्रिज्या बोला है, तो केंद्र तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, इनका मध्य बिंदु ले लेंगे। केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो टू माइनस टू अपॉन टू माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू जीरो और ये वन अपॉन टू, ये केंद्र हो गया। यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा इसका जीरो माइनस माइनस जीरो माइनस माइनस टू का स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर, वन बाई टू माइनस फोर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर प्लस वन माइनस एट यानी माइनस सेवन बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो गया सिक्सटीन प्लस इक्कीस बटे चार, तो ये हो जाएगा सॉरी इक्कीस नहीं है उनचास है, ये फोर, ये देखिए ये फोर होगा, ये फोर होगा, उनचास बटे चार एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये सिक्सटीन, सिक्सटीन में उनचास जुड़ेगा तो रूट पैंसठ बटे दो, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू यानी एक्स माइनस माइनस टू तो प्लस टू, प्लस वाई माइनस वाई वन मीन्स वाई माइनस माइनस थ्री तो प्लस थ्री, एंड वाई माइनस फोर इक्वल जीरो। तो इस प्रकार ये एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स का पद नहीं आएगा, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कट जाएगा, माइनस फोर ए प्लस बी ए माइनस बी, वाई स्क्वेयर प्लस थ्री माइनस फोर तो माइनस वाई, माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल जीरो, ये वृत्त का समीकरण है। ये हुआ प्रश्न क्रमांक दो। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीन। रेखा 2x माइनस वाई प्लस सिक्स इक्वल जीरो, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि ए बी व्यास है। ए बी व्यास है तो देखिए क्या करेंगे हम, ये वृत्त जो दिया गया है वो वृत्त ये है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस नाइन इक्वल जीरो, और ये रेखा है टू एक्स माइनस वाई प्लस सिक्स इक्वल जीरो। तो क्या करना है हमको, इसको व्यास मानकर जो वृत्त बनेगा उसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु, सरल रेखा प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते थे कि दोनों सरल रेखाओं को किसी भी विधि से हल करते थे। अब वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का मतलब है दोनों को किसी भी मेथड से हल कीजिए। दोनों को किसी भी मेथड से हल करेंगे तो यहाँ से वाई का मान निकालते हैं, माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो टू एक्स प्लस सिक्स, ये टू एक्स प्लस सिक्स को यहाँ वाई की जगह रख देते हैं तो एक का दो मान आएगा, उसके संगत फिर वाई का दो मान आएगा, तो ये दोनों बिंदु को हमको निकाल लेना है इन दोनों समीकरण को हल करके। तो रखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर माइनस टू, टू एक्स प्लस सिक्स माइनस नाइन इक्वल जीरो, ये वृत्त का समीकरण है। तो ये एक्स स्क्वायर फोर टू एक्स का आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, छः दुनी बारह, बारह दुनी चौबीस एक्स, और ये धन छत्तीस माइनस फोर एक्स टू टू जो फोर एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन इक्वल जीरो, तो ये फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, चौबीस एक्स में से चार एक्स गया तो ट्वेंटी एक्स, और छत्तीस में से इक्कीस गया तो धन पंद्रह बराबर जीरो। तो पाँच से भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, इसको गुणनखंड कर लीजिए किसी भी मेथड से, मध्य पद विभाजन से थ्री एक्स प्लस एक्स लिखेंगे तो ये एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन, वर्ग समीकरण से भी हल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू माइनस थ्री। जब x इक्वल टू माइनस वन लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स तो y इक्वल टू फोर, तो ये वाला हो गया माइनस वन फोर, और जब x इक्वल टू माइनस थ्री लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस
थ्री लिए तो वाई इक्वल टू जीरो। अब वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एक्स वन मीन्स एक्स प्लस वन, वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू तो एक्स प्लस थ्री, प्लस वाई माइनस वाई वन मीन्स वाई माइनस फोर इंटू वाई माइनस जीरो इक्वल जीरो इक्वल जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, वन एक्स प्लस थ्री एक्स तो फोर एक्स, वन इंटू थ्री तो थ्री, प्लस ये तो वाई ही है तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई, फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल जीरो। ये वृत्त का समीकरण प्राप्त होगा हमको। प्रश्न क्रमांक तीन, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चार, इसमें क्या वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए ये व्यास वाला चैप्टर है, लेकिन ये प्रश्न क्रमांक चार जो दिया है किसी से भी टेली नहीं करता है। जनरली जो एक्सरसाइज होता है जो चैप्टर के हिसाब से होता है, इसको कहीं से भी उठा के ले आया गया है ऐसा लगता है ये प्रश्न क्रमांक चार को। ना तो इसमें व्यास बोल रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है, बस तीन बिंदु बता रहा है वृत्त पर, तीन बिंदु बता रहा है उसके द्वारा हमको निकालना है। प्रश्न क्रमांक चार में दिया है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा बिंदुओं जहां रेखा तीन एक्स धन चार वाई बराबर बारह अक्षों को प्रतिच्छेद करता। अच्छा, अधूरा है क्वेश्चन, तो वैसे अक्षों को प्रतिच्छेद करता है वहां से भी जाता है ऐसा लिखना चाहिए, वहां से भी जाता है ऐसा लिखना चाहिए, या फिर ये प्रतिच्छेद करता है वो इसका व्यास है ऐसा लिखना चाहिए, तब इसमें कुछ कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है लेकिन अपने अनुसार से हम इसको चेंज करते हैं। इसको यदि हम व्यास माने टू माइनस फोर, प्रश्न क्रमांक चार क्वेश्चन में अधूरा है लेकिन इसको ये मान लेते हैं कि यहाँ से भी जाता है बोला, मतलब क्या है कि ये वृत्त है ये मूल बिंदु से भी जाता है ऐसे जीरो जीरो से जाता है, उसके बाद बोला है कि रेखा तीन एक्स धन चार वाई बराबर बारह अक्षों को प्रतिच्छेद करता है वहां से भी जाता है। तो एक अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वाई बराबर जीरो रखेंगे तो फोर जीरो पर, और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा एक्स बराबर जीरो करेंगे तो वाई बराबर तीन, तो ये जीरो थ्री पर। अब इसका केंद्र कहीं पर है तो केंद्र को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी सभी बराबर रहेंगे, मतलब इसका इससे दूरी और इसका इससे दूरी बराबर होगा। ये सी है मान लो, ये ए है, ये बी है, ये डी है, तो ए सी बराबर बी सी, तो अंडर रूट अल्फा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट अल्फा माइनस फोर का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का स्क्वायर बीटा, अंडर रूट हटाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस फोर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, और अल्फा रूट लेंगे तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा माइनस फोर, तो प्लस लेने पर तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस लेते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस फोर, या टू अल्फा इक्वल टू फोर तो अल्फा इक्वल टू टू, ऐसे करके अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जब इसका इससे दूरी लेंगे तो, अच्छा इससे इसकी दूरी ले लेते हैं ए सी इक्वल टू डी सी, तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट अल्फा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस थ्री का स्क्वायर, तो रूट हटाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस थ्री का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कट गया, रूट लेंगे तो बीटा इक्वल टू प्लस माइनस बीटा माइनस थ्री, तो माइनस लेंगे बीटा माइनस माइनस बीटा प्लस थ्री, टू बीटा इक्वल टू थ्री, बीटा इक्वल टू थ्री बाई टू। तो इस प्रकार इसका केंद्र हमको मिल गया टू एंड थ्री बाई टू, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए सी निकाल लेते हैं, ए सी इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस जीरो का स्क्वायर यानी टू स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर प्लस नाइन अपॉन फोर, तो चार 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 सोलह, सोलह और नौ पच्चीस, वर्गमूल पच्चीस बटे चार बराबर पाँच बटे दो, इसकी त्रिज्या पाँच बटे दो हो गई। अब समीकरण हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा यानी एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा यानी थ्री बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स पच्चीस बटे चार, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर, टू ए बी करेंगे तो टू कट जाएगा तो माइनस थ्री वाई, बी स्क्वायर करेंगे तो नौ बटे चार बराबर पच्चीस बटे चार।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई और नौ 25/4 ऋण 9/4 ऋण 4 तो 25 ऋण 9 16/4 तो 4 आ गया, ऐसे जीरो हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जीरो जीरो से जा रहा है, अचर पद इसमें नहीं रहेगा। इस प्रकार इस वृत्त का समीकरण ऐसा होगा। ये था प्रश्न क्रमांक 4। आगे है प्रश्न क्रमांक 5। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 11 के व्यास का एक सिरा 8/4 है तब दर्शाइए कि व्यास का दूसरा सिरा। तो ये तो 10th क्लास का हो गया। अच्छा, इसका केंद्र निकालना, सॉरी केंद्र निकालने के आधार पे होगा, केंद्र नहीं दिया है। ये वृत्त है, इसका व्यास का एक सिरा 8/4 है और दूसरा सिरा को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो वृत्त का केंद्र निकालना है, व्यास का दूसरा सिरा इतना है दर्शाना है हमको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 11 इक्वल जीरो। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 4 लिखना होगा, तब ये एक्स माइनस टू का स्क्वायर बनेगा। और वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई, तो हमको यहाँ पर 6 में से 2 अलग करेंगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखना होगा, तभी होल स्क्वायर बनेगा। तो 11 माइनस 4 माइनस 9 जो जोड़े थे उसको घटा भी दिए, तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9^4 ये आ गया, माइनस 2 आएगा तो इधर 2 लिख दिए। तो इसका केंद्र है 2, 3, इसका केंद्र 2, 3 है। अब हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लेते हैं, अल्फा प्लस 8/2, अल्फा प्लस 8/2 इक्वल टू 2, तो अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 4 ये आ गया। वैसे ही बीटा प्लस 4/2 इक्वल टू 3, तो बीटा प्लस 4 इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू 2। इस प्रकार इसका व्यास का दूसरा सिरा माइनस 4/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 है। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो का व्यास का एक सिरा है दूसरे सिरे, अभी जैसे निकाले वैसे निकालना है, इसको छोड़ देते हैं, सातवा देखते हैं। अभी जैसे निकाले उसका केंद्र निकालेंगे, केंद्र निकालने के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें सिद्ध करने को बोला था, इसमें नहीं बोला है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक वृत्त इसके और इसके केंद्र है। तो इसका केंद्र निकालना है और इसका केंद्र निकालना है, फिर व्यास के सिरों से निकालना है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे इसका केंद्र निकालने का विधि अभी मैंने बताया, इसका केंद्र आ जाएगा -3 और 7 और इसका केंद्र आ जाएगा 2 और -5, उसके बाद इसको निकाला जा सकता है। आठवां देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसको उस आयत के विकर्ण को व्यास मानकर खींचा गया जिसकी भुजाएं ये है। चलिए ठीक, इसको बताते हैं, आठवां को बताते हैं। ये आयत दिया हुआ है तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 9, तो ये वाला x इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 9 हो जाएगा। जिसका x निर्देशांक परिभाषित होता है वो y अक्ष के समांतर होता है, ठीक है, और जिसका y निर्देशांक परिभाषित होता है वो x अक्ष के समांतर होता है। ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 6। मतलब ऐसा नहीं कि इसको x इक्वल टू 6 लिखे और इसको y इक्वल टू 3 लिख दे, ऐसे में गलत हो जाएगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ देर पहले अभी पिछला लेक्चर का जो क्वेश्चन गलत था उसको इसी सिद्धांत से हमने बनाया था कि x निर्देशांक यदि कांस्टेंट है तो y अक्ष के समांतर है, y निर्देशांक कांस्टेंट है तो x अक्ष के समांतर है। इस आधार पे ये दोनों 9 और 3 पर कटेंगे और ये दोनों x 9 और y 3, इसमें x 9 और y 6, इसमें x 6 और y 6, इसमें x 6 और y 3, इस प्रकार इसके शीर्षों के निर्देशांक हो गए। तो इसके विकर्ण को व्यास मानकर के बनाना है, तो विकर्ण को व्यास मानकर खींचे गए तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 6 और x माइनस x2 मतलब x माइनस 9 और प्लस y माइनस y1 मीन्स y माइनस 3 और y माइनस y2 मीन्स y माइनस 6 इक्वल 0। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस विकर्ण को लो या इस विकर्ण को लो, 6 और 9 x में आएगा और 6 और 3 y में आएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 9 तो माइनस 15 x प्लस 54 y स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 18 इक्वल 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9y, तो 54 और 18 = 72,
बराबर जीरो। इस प्रकार ये वृत्त का समीकरण हो गया आठवां में। नौवां देखते हैं, नौवां में है दो बिंदुओं ए और बी के भुज समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो के मूल हैं तथा उसकी कोटि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो के मूल हैं। तो ए बी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण निकालना है। तो देखिए, हम इसके मूल को अल्फा वन अल्फा टू मान लेते हैं। भुज है तो भुज यानी एक्स निर्देशांक और कोटि यानी वाय निर्देशांक। तो अल्फा वन अल्फा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस बी स्क्वायर जीरो के मूल हैं। तो मूल किसी भी वर्ग समीकरण के मूल और उसके गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर माइनस बी यानी यहाँ पर जो आता है माइनस टू बी अपान वन यानी माइनस टू बी, और मूलों का गुणनफल अल्फा वन अल्फा टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, तो सी की जगह माइनस बी स्क्वायर अपान वन। उसके बाद लिख लेते हैं बीटा वन बीटा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल जीरो के मूल हैं। इसके मूल हैं तो इनका योगफल बीटा वन प्लस बीटा टू इक्वल टू माइनस टू पी एंड बीटा वन बीटा टू का गुणनफल माइनस क्यू स्क्वायर। अब ए बी को व्यास मान करें, यानी ए के निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए जो है देखिए, ये यहाँ पर जो वृत्त बनेगा ये ए है ये बी है। ए का जो भुज है और बी का भुज, इसका भुज अल्फा वन है तो इसका भुज अल्फा टू है, और इसका भुज कोटि यदि बीटा वन है तो इसका कोटि बीटा टू है। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू प्लस वाई माइनस बीटा वन इंटू वाई माइनस बीटा टू इक्वल जीरो, ऐसे करके आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, दोनों में एक्स आएगा तो माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू एक्स, ऐसे हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा वन वाई माइनस बीटा टू वाई, मैंने माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बीटा वन प्लस बीटा टू वाई, और दोनों का गुणनफल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा वन बीटा टू इक्वल टू जीरो। तो अब इसका मान रख देते हैं, यहाँ ऊपर में निकाला गया है अल्फा वन अल्फा टू इतना है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू अल्फा वन इंटू अल्फा टू इतना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ये बीटा अल्फा वन अल्फा टू की जगह ये रख दिए, वाई स्क्वायर माइनस बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस टू पी रखना है, टू पी वाई प्लस माइनस क्यू स्क्वायर रखना है बीटा वन इंटू बीटा टू की जगह। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू बी एक्स प्लस टू पी वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल जीरो, ऐसे करके ये बनेगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी बोला है? वृत्त की त्रिज्या बनाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, और यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर ऐड करना होगा, और उसके बाद आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू पी वाई, होल स्क्वायर बनाने के लिए पी स्क्वायर करना होगा, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करना होगा, अच्छा सॉरी पी स्क्वायर ही करना होगा ऐसे। तो ये देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमने इधर इस इधर एक्स्ट्रा ये टू ए है, ये टू ए है सॉरी ये ए है, ये ए होगा तो ये ए होगा ये ए स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हमारे पास पहले से था, हमने ए स्क्वायर और पी स्क्वायर यहाँ और जोड़ दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दूसरे साइड भी जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा ये आर वर्ग बराबर हो जाएगा। स्टैंडर्ड रूप में ये बदलेगा एक्स माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर वाई प्लस पी होल स्क्वायर
इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ये त्रिज्या हो जाएगी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दे रेखाओं x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो और एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू वन से निर्मित त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमको। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, ये एक्सिस है, ये y इक्वल टू जीरो है x अक्ष, और ये y अक्ष है मतलब x इक्वल टू जीरो लाइन है, और एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू वन ये है, मान लीजिए एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू वन। तो क्या होगा कि इस निर्देशांक को निकाला जा सकता है, ये वाई इक्वल टू जीरो है तो इसमें वाई जीरो रखेंगे, तो वाई जीरो रखेंगे तो एल एक्स इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन अपान एल। हाँ, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा वन अपान एल जीरो, और उसके बाद इसमें एक्स इक्वल टू जीरो होता है वाई अक्ष में, यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो एम वाई इक्वल टू वन, तो वाई इक्वल टू वन अपान एम, तो ये निर्देशांक हो गया जीरो वन अपान एम। अब इसका परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, ये समकोण त्रिभुज में एक विशेष प्रॉपर्टी होता है, दसवीं में आप लोग पढ़े होंगे, दसवीं में आप लोग पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज का विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो शीर्षों से समान दूरी पर होता है, और जो शीर्षों से समान दूरी पर होगा तो क्या होगा, जैसे इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और यहाँ पर हम प्रकार रख करके वृत्त बनाएंगे, तो समान दूरी होने की वजह से ये तीनों वृत्त पर स्थित होगा। परिवृत्त का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त, तो परिवृत्त मैंने त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त मतलब उसका केंद्र जो होगा शीर्षों से समान दूरी पे होगा। और दसवीं में हम वृत्त वाले चैप्टर में पढ़े थे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ पर से वृत्त बनाएंगे तो ऐसे एक अर्धवृत्त बनेगा और यहाँ पर समकोण होने की वजह से, तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू यानी जीरो प्लस वन अपान एल अपान टू यानी वन अपान टू एल, और ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू एम। तो केंद्र ऐसा हो गया, इसका केंद्र क्या है ऐसा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो जीरो ये क्या है, इसका केंद्र हो गया। अब यहां से यहां या यहां से यहां या यहां से यहां के बीच की दूरी को निकाल देते हैं, या फिर ये व्यास है इस दूरी को निकाल के आधा कर लेते हैं तो अब भी बन जाएगा, तो इसी को कर लेते हैं। इसका जो वो हो जाएगा इन दोनों का ये बिंदु और ये बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का आधा, तो वन अपान एल माइनस जीरो का स्क्वायर मीन्स वन अपान एल स्क्वायर, और जीरो माइनस वन अपान एम का स्क्वायर मीन्स वन अपान एम स्क्वायर, ये त्रिज्या है। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस टू अपान एल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू अपान एम का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर मीन्स वन अपान फोर वन अपान एल स्क्वायर प्लस वन अपान एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी करेंगे तो टू टू कट जाएगा, तो माइनस एक्स अपान एल प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान एम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एल स्क्वायर अपान फोर सॉरी वन अपान फोर एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, ये यहाँ पे लिखना था वैसे, इसका स्क्वायर होगा तो वन अपान फोर एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो वन अपान फोर एम स्क्वायर इक्वल वन अपान फोर एल स्क्वायर प्लस वन अपान फोर एम स्क्वायर, तो ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान एल माइनस वाई अपान एम इक्वल जीरो, ये वृत्त का समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। बिंदु जीरो जीरो से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटता है। तो बिंदु जीरो जीरो से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकाल, अच्छा ठीक, ये इसका मतलब है जैसे ये वृत्त है
तो ये वृत्त एक तो जीरो जीरो से जाता है ऐसे, और निर्देशाक्षों से अंतखंड काटने का मतलब एक से अंतखंड ये होगा, वाय अंतखंड ये होगा। वृत्त के अंतर्गत एक से अक्ष का जो भाग आएगा वो एक से अंतखंड होगा, वृत्त के अंदर वाय अक्ष का जो भाग आएगा वो वाय अंतखंड होगा। तो ये जीरो जीरो से होकर जा रहा है, इसका एक से अंतखंड ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका समीकरण निकालना है, तो इसका केंद्र को मान लेते हैं, यहाँ केंद्र है मान लीजिए, ये केंद्र है, तो केंद्र से इस पर डाला गया लंब ऐसे करके होगा और इस पर डाला गया लंब ऐसे होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मैं क्या किया, इसके केंद्र C से इस जीवा पर लंब डाला, तो ये इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, तो ये दूरी हो जाएगा a बाई टू, और इधर लंब डाला हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा b बाई टू, तो ये भी b बाई टू हो जाएगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a बाई टू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b बाई टू है, तो इसका केंद्र हो गया a बाई टू एंड b बाई टू। इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको शब्दों में लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ सब लिखना पड़ेगा, कि केंद्र को हम केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, ये अंतखंड ए है तो ये इतना दूरी ए बाई टू, ये अंतखंड बी है तो इस पर लंब डालेंगे तो इतना दूरी बी बाई टू, तो ये एक्स दिशा ये वाई दिशा है, तो ये निर्देशांक ए बाई टू बी बाई टू हो गया। और त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओ से सी तक की दूरी, ये त्रिज्या नहीं है बल्कि ये त्रिज्या है ऐसे, तो ओ सी आर बराबर ओ सी बराबर अंडर रूट ए बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बी बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ऐसे करके आएगा। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू टू कट जाएगा तो माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाई फोर वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इसके जैसे हो जाएगा और बी स्क्वायर अपॉन फोर, फोर को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन फोर, तो ये दोनों कट गया ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल जीरो ऐसे करके वृत्त का समीकरण आएगा। तो इस प्रकार वृत्त का ये लगभग व्यास वाला हिस्सा था और केंद्र निकालने का अलग अलग मेथड था इसमें भी। तो आगे हम देखेंगे और वृत्त का व्यापक समीकरण। धन्यवाद।